अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, आज की वीडियो में कतर से जो सबसे पहली जो खबर आ रही है वो आ रही है कोविड-19 को लेकर और अस्थमा की बीमारी को लेकर। तो भाइयों, आप लोगों को पता ही होगा कोविड-19 कितनी खतरनाक बीमारी थी। तो WHO की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से, कतर की तरफ से ये क्लियर कह दिया गया कि जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है वो लोग क्या करें, उससे बचने की कोशिश करें। कोविड-19 इन्फेक्शन जो है अस्थमा की बीमारियों वालों को काफ़ी ज़्यादा बीमारी को बढ़ाता है और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क हो जाता है। तो जो भी वायरस जो कांटेक्ट में आने के लिए, आपको दोस्तों पता ही होगा कि कोरोना काल के टाइम में सबसे ज्यादा वही लोग मरे थे जिनको सांस का कोई भी प्रॉब्लम था या अस्थमा को लेकर प्रॉब्लम था। तो भाइयों, यदि आप लोग को इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है थोड़ा बीमारी से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको होने के बाद काफी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। अगली खबर दोस्तों आ रही कतर म्यूनसिपैलिटी की तरफ से आ रही, यानी मिनिस्टर म्यूनसिपैलिटी की तरफ से आ रही, बहुत ही बड़ी खबर। कतर म्यूनसिपैलिटी की तरफ से दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है कि 2 महीनों के लिए किंग फिश, साथ ही वीडियो के समय जो फोटो देख रहे हैं उसे कहा जाता है किंग फिश, तो फिशिंग लोकल वाटर में इसे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है 15 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक, यानी 2 महीनों के लिए दोस्तों ये फिशिंग करना, इस मछली को पकड़ना पूरी तरह से प्रतिबंध है। अब साथियों, ऐसा किस लिए किया गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वैसे दोस्तों इस बारे में पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हो कि क्यों प्रतिबंध लगाया गया है तो गल्फ टाइम्स को ऑफिशियल वेबसाइट पे खोल के आप इसे पढ़ सकते हो। पर दोस्तों ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता था, पर मैं आप यदि जो भी लोग भाई लोग शौकीन हो खाने का, ये मछलियाँ 15 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक आपको बंद मिलेगी, ये मछलियाँ आपको देखने को नहीं मिलने वाली हैं। अगली खबर की ओर साथ में चलते हैं दोस्तों, वीडियो के उसमें एक महिला का फोटो देख रहे हैं साथियों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही, क्योंकि इस महिला पे एक छोटी सी गलती के लिए लगभग $1200 का जुर्माना लगाया गया है। यदि हम लोग $1200 का इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो मान के चलिए कि लगभग 1 लाख रुपए हो जाता है। अब साथियों, हुआ क्या कि ये कतर से ऑस्ट्रेलिया के लिए दोस्तों ये फ्लाइट ट्रैवल कर रही थी, तो उसी दौरान ये अपने पास एक गुलाब का फूल रखी हुई थी। तो दोस्तों आपको बता दूं, बहुत सारे कंट्रियों में गुलाब का फूल रखना बिल्कुल मना होता है, क्योंकि ये अनडिक्लेयर प्लांट है। अब साथियों ऐसा क्यों है नहीं है वो तो एयरलाइंस से जानेगा या फिर एयरवेज वाले जानेंगे। तो गुलाब ले जाना या लाना बिल्कुल वहाँ पर मना है कोई भी एयरलाइंस में। तो साथियों उसके बावजूद भी ये महिला जो है वो लेकर जा रही थी, जिसके बाद चेकिंग करने के दौरान इसके पास गुलाब पाया गया और ऑस्ट्रेलिया में इस पर लगभग $1200 का इस पर जुर्माना लगाया गया है। साथियों आप समझ सकते हैं, एक छोटी सी गलती, एक सिर्फ गुलाब रखने के वजह से इस पर $1200 का जुर्माना लगाया है। तो भाइयों, आप लोग जो भी लोग आप लोग ट्रैवल करते हो तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेके जाए, नहीं तो आप लोग भी पछताना पड़ सकता है। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। ज़ाइन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।